वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं आया हूँ आर्य मोटर्स गुड़गांव शोरूम में और अपने सामने जो गाड़ी खड़ी है ये है टाटा पंच प्योर सीएनजी, यानी कि बेस मॉडल में सीएनजी जो आती है पंच के अंदर वो वाला वेरिएंट रहने वाला है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ इस कार की सारी डिटेल, जिसमें हम बात करने वाले हैं इसके फीचर से लेकर के स्पेसिफिकेशन तक, प्राइस रेंज से लेकर कलर ऑप्शन तक, यहाँ तक कि इंजन आउटपुट से लेकर के माइलेज तक। सारी डिटेल जो है आज की इस वीडियो के अंदर इस कार के बारे में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बात कर लेते हैं अगर फ्रंट प्रोफाइल के दोस्तों, तो यहाँ पे आप कंप्लीट जो फ्रंट व्यू है इस कार का वो चेक कर सकते हो, तो कैसा कुछ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला है। अब क्योंकि बेस वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको जो फॉग लाइट वगैरह जो है वो नहीं मिलती है, हालांकि हेडलाइट जो है वो आपको हैलोजन बेस देखने को मिल जाने वाली है, जिसमें आपको रिफ्लेक्टर जो है हेडलाइट ऑफर करी गई है। ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे जो पार्किंग बल्ब है वो दिया गया है और इंडिकेटर की जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पे रहने वाली है। अपर ग्रिल जो है वो आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ है, यहाँ तक कि जो इसकी ह्यूमिडिटी लाइन है वो भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ ही दी गई है, और सेंटर में आपको टाटा का जो लोगो है वो मिल जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे टायरों के कटआउट के पीछे आपको जो हॉर्न की प्लेसमेंट है वो देखने को मिल जाती है। तो सामने से ओवरऑल लुक आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कैसा कुछ जो है वो आपको देखने को मिल जाने वाला है। ट्विन मैनुअल वाइपर जो है वो आपको मिल जाते हैं और सीएनजी का स्टिकर आपको वहां पे देखने को मिल जाने वाला है। साइड प्रोफाइल से हम बात कर लेते हैं, तो कंप्लीट साइड प्रोफाइल एक फ्रेम में आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कैसा कुछ आपको देखने को मिल जाने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हील्स की, तो 15 इंच के प्रोफाइल के साथ आपको यहाँ पर जो स्टील लिम्स है वो दिए गए हैं, जिसमें आपको 185/70 R15 का जो टायर सेक्शन है वो मिल जाता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स, जबकि रियर में आपको जो ड्रम ब्रेक्स हैं वो ऑफर किए गए हैं। 187mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको पंच ऑफर कर देती है। और आप यहाँ पे देखोगे तो बॉडी के चारों तरफ एक तो व्हील आर्चेस और बॉडी साइड क्लैडिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आउटसाइड रियर व्यू मिरर जो है ये आपको मिल जाते हैं मैट ब्लैक फिनिश के साथ, जिसके ऊपर आपको साइड टर्न इंडिकेटर जो है वो दिए गए हैं, और इनको आप जो है वो मैनुअली एडजस्ट ही कर पाएंगे। कुछ इस तरीके से आपको मैनुअली इसको एडजस्ट और फोल्ड अनफोल्ड करना होगा। अंदर की तरफ आपको कोई लीवर वगैरह जो है या फिर बटन वगैरह जो है वो प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों सेम इसी कलर के साथ, यानी कि मैट ब्लैक कलर के साथ ही आपको जो इसके डोर हैंडल्स हैं वो भी दिए गए हैं, ये आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और रियर डोर हैंडल की जो प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पर सी पिलर माउंटेड देखने को मिल जाएगी। कार का ए पिलर आप देखेंगे तो अपना जो है बॉडी कलर का है, बी पिलर ब्लैक आउट है, और सी पिलर आप यहाँ पर देख सकते हो ये भी ब्लैक आउट फिनिश के साथ ही मिल जाता है। रियर प्रोफाइल से बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ आपको फीचर्स जो है वो मिलने वाले हैं। सबसे ऊपर देखोगे तो एंटीना तो बेसिकली इस वाली कार के अंदर आपको नहीं मिलता है, बट आप यहाँ पे जो है एंटीना फिट करवा सकते हो अगर आप इसके अंदर सिस्टम वगैरह जो है वो लगवाते हो। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो हाई माउंटेड स्टॉप लैंप दिया गया है, रियर विंडस्क्रीन प्लेन रहने वाली है, इस पे सीएनजी का जो स्टिकर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला है। रियर टेल लाइट आपको हैलोजन बेस्ड ही ऑफर करी गई है, ये आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको रियर रिफ्लेक्टर विद टायरों के डिजाइन एलिमेंट्स, इसके अलावा यहाँ पे आपको सीएनजी की जो बैजिंग है वो मिल जाती है, सेंटर में अपनी पंच की बैजिंग दी गई है, और टाटा का लोगो जो है वो आपको मिल जाने वाला है। लोअर पोर्शन पे आते हैं तो यहाँ पे आपको जो ब्लैक कलर का बंपर है वो ऑफर किया गया है, जिसके ऊपर आपको दो पॉइंट के साथ जो पार्किंग सेंसर्स हैं वो दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको रियर की जो ब्रेक लाइट है वो भी प्रोवाइड करी गई है। आ चुके हैं इस कार के इंटीरियर में और आपको यहाँ से दिखाते हैं कि क्या कुछ जो चीजें हैं वो आपको पंच सीएनजी के बेस रेट में कंपनी ऑफर कर देती है। सबसे पहले डोर की ओपनिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, तो 90° ओपनिंग के साथ जो आपको डोर्स हैं वो यहाँ पे मिल जाने वाले हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो इनसाइड अपना जो डोर हैंडल है वो आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ ही मिलने वाला है। आगे की तो दो पावर विंडोज हैं वो आपको यहाँ पे ऑफर करी जाती है, रियर पावर विंडोज आपको नहीं मिलती, मैनुअल लीवर वहां पे आपको दिया जाता है। अब इस कार के अंदर आप देखोगे तो आपको डुअल टोन का जो इंसर्ट है वो देखने को मिल जाएगा। कंप्लीट पैनल तो वैसे ब्लैक है, जिसपे ऊपर आपको यहाँ पे व्हाइट इंसर्ट जो है वो देखने को मिल जाने वाले हैं, और सेम कॉम्बिनेशन आपको इसके डैशबोर्ड के लेआउट के ऊपर भी देखने को मिल जाता है। अब क्योंकि ये बेस वेरिएंट है तो स्पीकर वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलते, आप लगवा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे बोतल होल्डर है, यूटिलिटी स्पेस है, और यहाँ पे आप देखोगे तो अम्ब्रेला होल्डर के लिए आपको जगह जो है वो इसके डोर पैनल्स के अंदर प्रोवाइड करी जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे साइड एसी वेंट्स के ऊपर आपको पियानो ब्लैक इंसर्ट्स मिल जाते हैं। सीएनजी टू पेट्रोल, पेट्रोल टू सीएनजी मैनुअल करने के लिए आपको यहाँ पे एक बटन जो है वो ऑफर किया गया है। नीचे कुछ इतना स्पेस मिल जाता है, यहाँ से इसकी जो बोनट है उसको आप ओपन कर सकते हो। तीनों पैडल है, कोने में एक डेड पैडल, और यहाँ से अपना जो है फ्यूल लिड ओपन करने के लिए आपको जो लीवर है वो प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों आ चुका हूँ मैं इसके ड्राइवर वाली सीट पर, और उसको बैठने के बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कैसा कुछ जो लुक है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है और क्या कुछ फीचर्स दिए गए हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो स्टेयरिंग व्हील आपको डी कट शेप के साथ जो है वो मिल जाता है। इस स्टेयरिंग व्हील को आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से टिल्ट एडजस्ट भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको हेडलाइट और यहाँ पे आपको वाइपर के जो कंट्रोल टॉगल्स हैं वो मिल जाते हैं, दोनों मैनुअल ही रहने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक डिफरेंस देखने को मिलने वाला है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर, क्योंकि दोस्तों अगर आप पंच पेट्रोल में परचेस करते हैं तो यहाँ पे जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको मिलता है नॉर्मल टाइप का, जिसमें आपको सेमी डिजिटल जो है वो कहा जाता है। लेकिन अगर आप लेते हो सीएनजी वाली कार तो इसके अंदर आपको जो अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो डिजिटल टाइप का दिया जाता है। कुछ इस तरह दोस्तों ये जो अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑफर कर देता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कितना जो अपना सीएनजी का इंडिकेशन है वो आपको मिल जाता है, नीचे की तरफ पेट्रोल कितना है उसका इंडिकेशन दिया गया है, और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको स्पीडोमीटर, क्लॉक,
ऑडोमीटर और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, वो जितनी भी वार्निंग्स वगैरह है, वो यहीं पर देखने को जो है वो मिल जाने वाली है। इस तरफ आपको टैकोमीटर जो है वो भी मिल जाता है। स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो नॉब जो है वो मिल जाती है, इससे आप जो है इसमें ट्रिप वगैरह और बाकी इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सेंटर कंसोल पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आप नोट करोगे, क्योंकि अभी बेस वेरिएंट प्योर है तो यहाँ पे आपको ना तो म्यूजिक सिस्टम मिलता है ना ही कोई स्पीकर दिए जाते हैं, बट आपको यहाँ पे जो एसी वेंट्स हैं अगेन सेंटर वाले, इस पे भी पियानो ब्लैक का इंसर्ट मिल जाता है। सेंटर में वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच दिया गया है, व्हाइट कलर का इंसर्ट आपको डैशबोर्ड के ऊपर। नीचे आप देखोगे तो आपको मैनुअल एसी विद हीटर के जो कंट्रोल्स हैं वो मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको कुछ इतना स्पेस जो है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। 5 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है ये कार। 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पे आपको पार्किंग ब्रेक लीवर क्रोम टिप के साथ ट्विन कप होल्डर्स, ऊपर आप देखोगे ड्राइवर साइड सनवाइजर है जिसमें आपको एक टिकट होल्डर, इनसाइड रियर व्यू मिरर ये आप चेक कर सकते हो, ये नॉर्मल टाइप का है। इसमें आपको नॉर्मल जो एडजस्टमेंट है वो मिल पाती है, डे नाइट में आप इसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपको हेलोजन बेस्ड एक कैबिन लैंप जो है वो मिल जाएगा, और यहाँ पे आप देखोगे तो को ड्राइवर साइड सनवाइजर ये आपको ब्लैंक ही दिया गया है। ग्लोव बॉक्स चेक कर लेते हैं तो कुछ इतना ग्लोव बॉक्स के अंदर जो स्पेस है वो आपको मिल जाता है, कूलिंग वगैरह नहीं है, नॉर्मल टाइप का जो ग्लोव बॉक्स है वो आपको यहाँ पर ऑफर किया गया है। सीट अपहोल्स्ट्री की तो यहाँ पे आप चेक करिएगा तो कंप्लीट फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री जो है वो आपको यहाँ पर ऑफर करी गई है, और दोनों ही आपके जो फ्रंट हेडरेस्ट है वो दोनों ही आपको यहाँ पे एडजस्टेबल टाइप के दिए जाते हैं। नीचे आप देखोगे तो यहाँ से आप इसके रिक्लाइन एंगल को सेट कर सकते हैं, और यहाँ से आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड करने के लिए जो लीवर है वो दिया जाता है। बैठकर आपको स्पेस चेक करवा देता हूँ, कितना कुछ आपको थाई सपोर्ट वगैरह जो है वो मिल जाता है, तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं, प्रॉपर रहने वाला है, कहीं पर आपको कमी नहीं मिलेगी, और सीट को जो है आप अपने हिसाब से आगे और पीछे जो है वो भी कर सकते हैं। सीट को मैंने बिल्कुल ही पीछे की तरफ किया हुआ है। एक बार चलते हैं सेकंड रो में और आपको दिखाते हैं कि वहां पे कैसा कुछ स्पेस है वो मिल जाता है। चलिए चलते हैं हम इस कार के सेकंड रो में। तो यहाँ पे आप सबसे पहले डोर की ओपनिंग जो है वो चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे अगेन 90 डिग्री ओपनिंग के साथ जो इसके डोर हैं वो आपको मिल जाने वाले हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो रियर डोर चाइल्ड लॉक का जो फीचर है वो दिया गया है। इनसाइड डोर हैंडल अगेन पियानो ब्लैक फिनिश के साथ है, प्लास्टिक फिनिश आपको मिल जाती है। नीचे बॉटल होल्डर है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ आगे की दो पावर विंडोज मिलती हैं, तो रियर में आपको मैनुअल लीवर जो है वही दिया जाता है। अब बैठकर स्पेस वगैरह जो है एक बार वो चेक कर लेते हैं, तो सीट को बिल्कुल ही पीछे की तरफ मैंने किया हुआ है, और 5 फीट के हिसाब से आप यहाँ पर देखोगे सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रॉपर जो लेग रूम है वो मिल रहा है, और सीट पीछे करने के बावजूद आपको एक अच्छा लेग रूम जो है वो मिल जाएगा, और इतनी पीछे करके सीट बेसिकली कोई चलाता भी नहीं है, तो जब आप नॉर्मल कंडीशन में इसको यूज करने वाले हैं तो आपको एक अच्छा स्पेस जो है वो पंच रियर सीट में भी ऑफर कर देगी। बाकी दोस्तों दोनों साइडों में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दोनों साइडों में जो ग्रैब हैंडल्स हैं वो दिए जाते हैं, अपने को ड्राइवर साइड में जो ग्रैब हैंडल है वो आपको नहीं मिलने वाला, बाकी रियर में जो ग्रैब हैंडल्स हैं वही ऑफर किए गए हैं। और सेंटर में आप देखोगे तो यहाँ पे कंसोल में कुछ इतना स्पेस वगैरह जो है आपको वो मिल जाता है, नीचे फोन स्टोरेज वगैरह के लिए रियर एसी वेंट वगैरह नहीं मिलता, और नीचे आप यहाँ पे देखोगे ऐसा कुछ अरेंजमेंट जो है वो आपको फ्लैट फ्लोर की तरह देखने को मिल जाएगा। रियर से फ्रंट का लुक आप चेक कर सकते हो कैसा कुछ आपको देखने को मिल जाता है कार के रियर प्रोफाइल में, और यहाँ पे आपको दिखाते हैं क्या कुछ आपको जो बूट स्पेस वगैरह में जो अपनी स्पेस वगैरह है वो देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो बटन है वो दिया गया है, उसको प्रेस करके आप आराम से जो है बूट एक्सेस कर सकते हो। 210 लीटर की जो कैपेसिटी है बूट स्पेस की वो आपको जो पंच है वो ऑफर कर देती है। यहाँ पे आप देखोगे तो अपनी जो रियर पार्शल ट्रे है वो आपको मिल जाती है, और नीचे की तरफ सीएनजी का जो सिलेंडर है वो प्लेस किया हुआ है, ये आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। 30-30 लीटर की दो सिलेंडर जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाने वाले हैं, और स्पेस उसके बाद भी आप चेक कर सकते हो काफी अच्छा आपको जो है वो देखने को मिल जाने वाला है। इसके अलावा दोस्तों दोनों ही साइडों में आपको 1 किलो की कैपेसिटी के साथ जो हुक हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं, और अपना जो है ये कंप्लीट कुछ इस तरीके का जो है वो रहने वाला है। और दोस्तों अपनी चाहे हो अगर आपको बूट स्पेस की ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप जो है रियर सीट को भी डाउन जो है वो कर सकते हो, कुछ इस तरीके से आपको मिल जाता है, ये रियर सीट कम्प्लीटली जो है वो फोल्ड भी हो जाती है, तो अगर आपको बूट की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो आप इसको फोल्ड करके भी यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों क्योंकि ये सीएनजी वाली कार है जिसमें आपको जो बूट स्पेस में यहाँ पे आप देखोगे सीएनजी के सिलेंडर जो है वो रखे मिल जाते हैं, तो स्टेपनी टायर को जो है वो यहाँ पर प्लेस कर दिया गया है नीचे की तरफ, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। इसको रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे एक नट टाइप जो अरेंजमेंट है वो देखने को मिल जाएगा, उसको रोटेट करके वहाँ पे दिया हुआ है, उसको रोटेट करके आप जो है आसानी से स्टेपनी टायर को जो है एक्सेस कर पाते हैं। बात करते हैं अगर कीज की दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दोनों ही जो है वो आपको मैनुअल टाइप जो कीज हैं वो ऑफर करी गई हैं, जिसमें आपको टाटा का लोगो जो है वो मिल जाता है। दोनों ही कीज आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल बेसिक सी रहने वाली हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं अगर इस कार के अंदर मिलने वाले इंजन स्पेसिफिकेशंस की, तो 1.2 लीटर का आपको रेवोट्रॉन सीएनजी इंजन जो है वो दिया गया है, जो कि सीएनजी मोड पर 73.5 पीएस की पावर और 103 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस कर आपको दे देता है। इसके अलावा क्योंकि अपना बेस वेरिएंट प्योर रहने वाला है, तो इस कार के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ दो कलर के जो ऑप्शन है वो मिल जाते हैं। एक गाड़ी अपने सामने खड़ी है जो कि रहने वाली है अपनी डेटोना ग्रे कलर की, और दूसरा ऑप्शन जो है वो आपको व्हाइट कलर के अंदर मिल जाता है, जो कि अपने सामने गाड़ी खड़ी है वो रही, तो ये वाला कलर जो है वो आप व्हाइट कलर और कस व्हाइट कलर बेसिकली वो कलर भी चूज कर सकते हैं। आपके प्राइस की तो इस कार
आपका जो एक शोरूम कॉस्ट है यानी कि पंच प्योर सीएनजी का जो अपना एक शोरूम कॉस्ट रहने वाला है वो है 7,09,900 रुपीस का। और ये ऑन रोड कॉस्ट क्योंकि अभी मैं गुड़गांव शोरूम में आया हुआ हूँ तो यहाँ पे इसका जो ऑन रोड कॉस्ट है वो 8,26,000 रुपीस है। बाकी डिटेल के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।